बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जुनैद जी, आपसे एक शॉर्ट वीडियो आज डिस्कस करते हैं। वीडियो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हम व्हाट्सएप को अपने मोबाइल पे तो यूज़ करते ही करते हैं, व्हाट्सएप को हम कैसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मतलब आजकल हम चाहते हैं कि हमारी स्पीडी कम्युनिकेशन हो लोगों से, तो अगर हम उसको अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर्स के ब्राउज़र में यूज़ करेंगे तो हम एटलीस्ट स्पीडी रिप्लाई लिख सकते हैं। तो उस फीचर को हम कैसे यूज़ करते हैं, हाँ, उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है आपके लिए, इसको देखते हैं। आप अपने यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे web.whatsapp.com। यहाँ पे जब आपने ये टाइप किया तो साथ ही आपको व्हाट्सएप की वेब ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखेंगे, अब आपको एक बात बता रहा है कि आप इसको, ये आपको एक क्यूआर कोड सामने दे रहा है। क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। जैसे कि हम बाज़ार से कुछ प्रोडक्ट्स ख़रीदने जाते हैं स्टोर से, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर बार कोड लगा होता है, तो बार कोड जो स्कैनर होता है वो उसमें से इंफॉर्मेशन रीड करता है। वो यही इंफॉर्मेशन होती है कि इसका प्रोडक्ट का आईडी क्या है और इसमें इसकी प्राइस क्या है। तो इसी तरह यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिया हुआ है जो कि आपका मोबाइल रीड कर सकता है। तो बता रहा है कि आपने मोबाइल में कैसे क्यूआर को स्कैन करना है। तो उसके लिए आप अपने व्हाट्सएप में जाएंगे, तो व्हाट्सएप में जहाँ चैट है उसके साथ ही सेटिंग का बटन बना होता है, उस बटन पे जाएंगे। साथ ही ऊपर आपका व्हाट्सएप वेब लिखा होता है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे और उससे इसको आप स्कैन कर लेंगे। तो जैसे ही आप ये स्कैन करेंगे, जो भी आपकी कन्वर्सेशन है, चैट्स हैं, वो आपकी व्हाट्सएप में एक्सेस हो जाएगी। तो जब आपकी व्हाट्सएप में एक्सेस हो जाएगी, उसके बाद आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, आप उनके साथ अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के ज़रिए बात कर सकते हैं। लाइक मैंने अगर किसी से ये एक वीडियो आस्क की है तो ये उसका ग्रुप वगैरह अगर कोई स्टडी करना चाहते हो तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। तो बड़ा हेल्पफुल टूल है ये, आप इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्पीडी हो सके। शुक्रिया।